डोंट वर्क ऑन द सर्वाइवल फॉर टुडे. मेन एजेंडा क्या है, हम फार्मर की जो है ना उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं. सेकेंडली हम अवेयरनेस पे काम करना चाह रहे हैं. थर्ड हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी एक्सपर्टीज रिसोर्सेज हैं उनको हम पूल करें. नजर आ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर गैप है, इस इंडस्ट्री के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो ड्यूएबल हैं, तो हम अपना वर्क फोर्स क्यों नहीं बना रहे कि हम कोई सेंटर बनाए, कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसा बने कि जो एक मैंडेट एज अ वन एजेंडा जो एक बॉडी है वो बने और इसको वाकई हम ड्राइव करें और अपने अपने प्रोपेलर्स पे करें. ये नहीं हो सकता कि जी कि मैं जेनेटिक्स का एक्सपर्ट बन गया, ये नहीं हो सकता कि सिद्धू साहब न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट बन गए. इन्फॉर्मेशन होना और बात है और उस चीज़ के अंदर एक्सीलेंस डेवलप करना वो और बात है. देखें तो बड़े एलिमेंट्स हमारे जेनेटिक्स में सीड है, फीड है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, फिर प्रोसेसिंग है और फिर हमारे मार्केट एवेन्यूज है. लेकिन जब तक सीड, फील्ड और फार्मिंग प्रैक्टिसेस की इंटीग्रेशन या ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी हम आगे नहीं जा सकते. डेटाबेस, मार्केट नीड, रिसर्च, उसकी प्रोसेसिंग और उनको आगे लेके चलना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है. विद दिस आई होप एंड प्रे दिस कॉन्फ्रेंस शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस. थैंक यू वेरी मच.